हेलो गाइस, तो आ गया एक नया वीडियो लेके। आज मैं हूँ दीप शांत्रा एंड आप देख रहे हैं ओनली फॉर डिजाइन। तो पहला वीडियो में हम दिखाए थे बैनर, ये जो वेबसाइट का पीएचडी है। पहला वीडियो में हम ये पीएचडी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए थे। फर्स्ट पार्ट मतलब आपका बैनर कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इस वीडियो में हम अबाउट सेक्शन जस्ट राइट द फूड जस्ट द फूड सॉरी जस्ट द राइट फूड ये वाला पोर्शन करेंगे, उसके साथ ये वाला भी कर लेंगे। तो दोनों पार्ट हम कर लेंगे, ठीक है। आज देखते कितना हो सकता है। तो आज ये दोनों पार्ट कर लेंगे। मेनू नहीं हो पाएगा शायद, ये मेनू में देखता हूँ, ट्राई करूंगा जितना हो सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलूंगा, जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो मेरा बहुत लोगों ने कमेंट किया मेरा साउंड अच्छा नहीं आया, तो इसलिए हम साउंड माइक्रोफोन अलग से खरीद लिया, माइक्रोफोन लिया एक, उसके बाद एक ट्राईपॉड लिया है, बहुत सारा चीज लिया है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर आपको खरीदना है तो खरीद लीजिएगा, बहुत अच्छा साउंड है। तो चलिए देखते, मेरा भी थोड़ा इनकम हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे जो एफिलिएट मार्केटिंग का अमेज़न का लिंक देंगे, तो मेरा भी थोड़ा कमाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिन जो जहाँ तक किए थे हम यहाँ तक किए थे सी मेनू तक, उसके बाद हम इंटर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो जो दो इमेज है एंड सिग्नेचर है, इसको हम कट कर लेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है हम इमेज, हाँ एक ही इमेज है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करके हम इसको कट कर लेंगे। ओके, देन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एन क्रिएट कंट्रोल बी, देखिए आ गया। ओके, देन हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, हाइड कर देंगे, देन सेव एज पीएनजी में सेव करेंगे। फोल्डर कहाँ है मेरा, रेस्टोरेंट का वेबसाइट में अबाउट लेफ्ट। ओके, एक हो गया मेरा सेव। देन दूसरा करेंगे, इसको भी हम यहां से देख लेना, शैडो भी लेना चाहिए, शैडो भी आना चाहिए, क्योंकि शैडो के बिना ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। देन कंट्रोल सी कंट्रोल एन क्रिएट कंट्रोल वी एंड बैकग्राउंड रिमूव, देन कंट्रोल सी कंट्रोल एस पीएनजी अबाउट राइट। ओके, तो मेरा अबाउट का दो टू इमेज सिलेक्ट हो गया एंड सेव भी हो गया। और एक इमेज चाहिए मुझे, ये जो डिवाइडर है येलो कलर का, इसको भी हमको लेना है, क्योंकि हमने एक डिवाइडर को लिए थे, उसका कलर है व्हाइट और ये येलो। तो दो टू डिवाइडर है मेरे पास, तो दो को लेना होगा। कंट्रोल सी कंट्रोल एन कंट्रोल वी, आई थिंक ब्लैक आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर शायद हम इसको ही आप से ले जाएंगे।
ओके कुछ शायद देखा नहीं, देखा है बहुत छोटा है तो ठीक ही है। कंट्रोल एस से सेव पीएनजी डिवाइडर टू डिवाइडर देन टू। ओके तो मेरा इमेज हो गया काटना कंप्लीट है। देन हम एचटीएमएल में जा रहे हैं, एचटीएमएल में सेक्शन बनाएंगे एक नया। देन आईडी अबाउट अबाउट हम थोड़ा बड़ा कर लेते स्क्रीन। सॉरी प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो अबाउट देन इंटर देन हम डीप लेंगे कंटेनर, एक डीप ले लेंगे क्लास कंटेनर, कंटेनर ले लिया इंटर। देन अब हमको क्या करना है, दो दो सेक्शन लेना है मुझे ठीक है। एक पे लेंगे सिक्स नहीं एक पे लेंगे फाइव, एक पे लेंगे सेवन बारह। देन रो बूस्टर फोर में रो देना चाहिए, नहीं तो एक रो में नहीं आएगा नीचे आएगा। रो देन फिर से डीप क्लास कॉल एल एक्सेल एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ठीक है। एक्सेल फाइव कॉल एल जी लार्ज एल जी फाइव कॉल एम डी फाइव देन कॉल एस एम कॉल एस एम कॉल एस एम कॉल एस एम हम फाइव कर दे रहे हैं। ओनली कॉल ट्वेल्व ओनली कॉल मतलब बूस्ट अप फोर थ्री में हम क्या देते थे कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल एस एस एम देते थे देन एक्स एम देते थे। यहाँ पे एक्स एम उठा दिया, उठा के ओनली कॉल कर दिया कॉल ट्वेल्व ठीक है। देन हम इसको सॉरी इसको हम दो टो कॉपी कर लेते हैं, दो टो कॉपी कर लिया इसका जस्ट चेंज करेंगे सेवन। हमको सेवन देना है क्योंकि हम क्यों सेवन दे रहे हैं क्योंकि हमें जो टोटल रो है टोटल रो को दो टो भाग में भाग किया। टोटल रो होता है टोटल रो में कॉलम होता है बारह कॉलम, बारह कॉलम को हमने दो टो दो टो में डिवाइड कर दिया, एक में फाइव दिया एक में सेवन दिया ठीक है। तो हो रहा है बारह। तो पहला में हम देंगे टाइटल एच टू टैग यूज करेंगे, टाइटल है कॉपी देन पेस्ट। ओके टाइटल दे दिए देन हम के पास डिवाइडर देना पड़ेगा तो हम ऊपर में डिवाइडर यूज किए थे इसको जस्ट कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड डिवाइडर वन कर देंगे। तो डिवाइडर वन और डिवाइडर टू इमेज को हम डिवाइडर टू कर देंगे। देन उसके बाद है P टैग उसके बाद देंगे P टैग देन P टैग को कॉपी कर लेते हैं देन यहाँ पे P टैग को पोस्ट कर दिया। ओके देन और क्या लेना है, मुझे लेना है एक ये वाला तो हम क्या करेंगे डीप एक क्लास लेंगे डीप क्लास एक क्लास ले लिया डीप हम क्लास दे रहे अबाउट लेफ्ट बोल एक क्लास दे रहे हैं उसके अंदर हम देंगे इमेजेस के अंदर हमारे पास इमेज है इमेजेस के अंदर हम इमेज देख लेते हैं इमेजेस के अंदर और अबाउट लेफ्ट जो हमने एक कॉपी की है उसको थोड़ा हम दूसरा कोई फाइल में हम सेव कर लिए थे
इसलिए ऐसा आ गया। सॉरी, हम इसको करते इसको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फिर से हम इसको यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने दूसरा कोई फाइल में सेव कर लिया था, इसके इसका बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, तो हम इसको फिर से हम सेव करेंगे, सेव एज PNG। ओके, तो इसमें हम PNG को सेव कर लिया, इसको डिलीट कर देंगे। तो इसका कॉपी कर लिया नाम, देन पेस्ट, देन डॉट PNG, देन ऑल टैग बहुत ज़रूरी है, ऑल टैग दीजिएगा सब इमेज में। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा जो ये सेक्शन लिखे, इतना कंटेंट लिखे, उसको हम एक डिव के अंदर दे देंगे, सॉरी डिव क्लास कंटेंट। ओके, हम अबाउट दे देते हैं, क्लास अबाउट नहीं, कंटेंट ही देंगे, हम कंटेंट यूज करते। अब अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर में भी कंटेंट लिया, यहाँ पे भी कंटेंट दे रहा है कैसे। तो हम उसके ऊपर, आप अगर मान लीजिए कि हम ऊपर भी यहाँ पे भी कंटेंट दिया, यहाँ पे भी कंटेंट देंगे, तो एक क्लास मिसमैच नहीं होगा। क्योंकि हमने कंटेंट के आगे, आप CSS में देख सकते हैं, जो बैनर है जहाँ जहाँ कंटेंट लिखा है, उसके अगर हमने बैनर दे दिया, तो हम जब भी CSS कुछ लिखेंगे तो बैनर के अंदर जो कंटेंट है उसको उसके ऊपर ही अप्लाई करेगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं अबाउट कंटेंट। ठीक है, जस्ट उसका पहले देंगे अबाउट कंटेंट दे दिया, देन ये हमारा हो गया। देन हमको क्या करना है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके अब दिखा देते हैं, देखिए आ गया। देन हमको क्या करना है, राइट साइड में डिप लेंगे, क्लास अबाउट राइट दे देते हैं, अबाउट राइट। ओके, देन इमेज, एक इमेज लेंगे, इसमें तो और कुछ नहीं देना है, जस्ट इमेज लेना है, इमेज इमेजेस के अंदर जो नाम है, हम नाम एक बार जो अबाउट राइट जो नाम है, नाम को हम कॉपी किया, पेस्ट किया, देन PNG, ऑल टैग जरूर दीजिएगा। ओके, सेव। तो यहाँ पे रिफ्रेश, देखिए मेरे इमेज आ गया। तो ऑल टाइम इमेज में एक दीजिएगा, इमेज गूगल पे जाएंगे, इमेज बूस्टअप 3 में होता था, इमेज रिस्पॉन्सिव, एंड बूस्टअप 4 में होगा इमेज फ्लूइड। ओके, बूस्टअप उसका 100% विड्थ ले लेगा। देन हम यहाँ पे क्लास देंगे, देन पेस्ट, इसको हम सब जगह इमेज में दे देंगे, जहाँ जगह इमेज है सब में हम इसको दे देंगे, क्योंकि ये इमेज ऑल टाइम 100% में ही आना चाहिए। ओके, जहाँ जहाँ इमेज लिया हमने वहाँ पे दे दिया, लोगो पे भी दे देंगे, तो देखिए दे दिया, सेव रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो हम अबाउट आईडी को कॉपी किया, नीचे देख सकते हैं थोड़ा बड़ा कर देंगे, इतना ठीक है। देन हैशटैग, क्योंकि आईडी है, देन अबाउट, देन पैडिंग देंगे दो ऊपर नीचे से 50 pixels दोनों तरफ से 0, लेफ्ट राइट से 0 पैडिंग दे दिया, रिफ्रेश, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। तो और भी चाहिए पैडिंग, हम देख लेते हैं एक बार, हाँ यहाँ पे पैडिंग और भी चाहिए, लेकिन अब देख रहे हैं बैकग्राउंड में थोड़ा स्ट्रक्चर, सॉरी मेरा माउस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, माउस कीबोर्ड में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा कीबोर्ड जो है डेल का कीबोर्ड था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए एक्सचेंज करने पे दिए। अब देख सकते हैं बैकग्राउंड में क्या है ना, बैकग्राउंड में सॉरी एक टेक्चर फैला हुआ। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे, टेक्चर को लेंगे, पैटर्न है, तो हम पैटर्न को कॉपी करेंगे,
हम पैटर्न के ऊपर क्लिक किया, पैटर्न के ऊपर हमने क्लिक करके रखे, जो जिस लेयर को हमको क्लिक करना है उस लेयर के ऊपर हम सिलेक्ट करके रखेंगे, देन कंट्रोल सी कंट्रोल एन देन कंट्रोल वी। अब देखिए आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि हमने कुछ हम कैंसिल करते हैं, हम यहाँ से ही इसको लेके जाएंगे, देख सकते हैं इसको लिया, इसके ऊपर दे दिया, हाँ आ गया, देख सकते हैं आ गया जितना। इसका ओपेसिटी बहुत कम लग रहा है, थोड़ा हम थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ पे 4, ठीक है यहाँ पे कितना है देख लेते एक बार, यहाँ पे 4 है, ठीक है तो यहाँ पे भी हम 4 दे देंगे, देख सकते हैं अभी तो हम 4 दे दिया, देन सेव। अब क्या ऐसे सेव नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, हम बोल दे रहे हैं हम ऐसे जल्दी में सेव कर रहे हैं, अगर जब हम अब रियल प्रोजेक्ट करेंगे तो सेव एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट देन सेव फॉर वेब करेंगे, ऐसे करके सेव करेंगे, देन क्वालिटी अच्छा होगा एंड उसका जो साइज है, अब साइज भी देख सकते हैं, साइज भी कम होगा, इसको ही सेव करेंगे, ठीक है। हम अभी जल्दी में है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम ऐसे सेव कर रहे हैं, देन इसको देंगे अबाउट अंडरस्कोर बीजी बोल के सेव कर दिए। तो हमको और भी हमको इसको ये लेना पड़ेगा, मुझे पैडिंग लेंगे, तो हम यहाँ पे 60 पिक्सल पैडिंग देते थे, देन बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड यू आर वेल इमेजेस के अंदर अबाउट अंडरस्कोर बीजी ओके डॉट जेपीजी। तो देख लिए एक बार, हम देखते हैं यहाँ पे आया कि नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, बैकग्राउंड आ गया, देन हम इसको क्या करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट बैकग्राउंड साइज कवर बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर ओके देन सेव। अब देख सकते हैं सेव देन रिफ्रेश, अब देखिए तो ये मेरा आ गया, बैकग्राउंड रिपीट नान किए थे हमने एक बार, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ठीक ही है ओके तो रिफ्रेश हो गया। तो चलिए हम इसको अभी इसका ए करेंगे, तो हम अबाउट के अंदर जाएंगे, देन H2 हम सब आईडी जो जितना भी हमको स्टाइल लिखना है उसका हम क्लास लिख के रखते हैं पहले से, तो आसान होगा, हम झट झट से पूरा ये कर देंगे। देन इसके अंदर जो है डिवाइडर H2 ले लिया, डिवाइडर इमेज हम पी टैग को लेंगे, मेरा हाथ बहुत स्लो चल रहा है क्योंकि ये जो एक पहला आज माइक पहले बार यूज कर रहा हूँ एक से, उसके बाद है कि मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम, कीबोर्ड हम संडे जाके लेके आएंगे, टाइम नहीं मिला है, देन वाला इमेज मेरा ऑफिस रहता है टाइम नहीं मिला है, तो कीबोर्ड हम जाके लेके आएंगे। ठीक है ओके तो हमने सब कर लिया, देन हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे
यहाँ पे जो बैनर पे हम यूज किए थे फॉन्ट फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली को एंड कलर। हमने यहाँ पे कलर यूज किए थे सोशल, येलो कलर यूज किए थे सोशल का येलो कलर, जे ये वाला कलर हम यूज करेंगे क्योंकि वहां पे येलो कलर है, तो हम कलर भी दे दिया। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम कैसे काम कर रहे हैं ओनली हम ही जानते हैं। तो देखिए आ गया, लेकिन फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है। हम जाएंगे यहाँ पे, हाँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल देते हैं अभी, 32 ठीक है। देन मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल ठीक है, हाँ दे दिए। और एक चीज देना है मुझको, सब में देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हम क्या करेंगे, जो कंटेंट लिया है अबाउट कंटेंट, देन इसको कॉपी करेंगे टेस्ट, इसके अंदर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देखिएगा सब इमेज जो भी टेक्स्ट सब सेंटर में आ जाएगा, देखिए सेंटर में आ गया ठीक है। देन अभी क्या करेंगे, जो डिवाइडर है डिवाइडर को मार्जिन देंगे, डिवाइडर इसके अंदर जो डिवाइडर है डिवाइडर को हम मार्जिन देंगे। तो डिवाइडर का क्लास कॉपी कर लिया, यहाँ पे नहीं लिखे थे क्योंकि हमको नहीं पता था, ऊपर में हम नहीं लिखे थे। तो हम मार्जिन बटम देंगे 20 पिक्सल सॉरी, देन इसके सामने हम जस्ट इसको पेस्ट कर देंगे। ओके देन पी, पी का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, 16 पिक्सल ठीक है। लाइन हाइट 22 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल और भी देता 50 पिक्सल दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा मार्जिन हाइट लाइन इसको आपको थोड़ा खुद से मैनेज करना पड़ेगा ठीक है, आपको देख के मैनेज करना पड़ेगा कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा कैसा लग रहा है, आपको देख के मैनेज करके देना पड़ेगा ठीक है। मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला ठीक है। कलर को थोड़ा हमको और ब्लैक करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं, ये ठीक है ना, और थोड़ा कलर कॉपी, देन यहाँ पे ई पे पेस्ट, ओके देन सेव। यहाँ पे देखिए ये मेरा हो गया, नहीं इसको भी अभी कोई स्टाइल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये बीच में ही है, यहाँ पे इसका कोई स्टाइल नहीं करना पड़ेगा। एंड ये वाला अब देख लीजिए एक बार, मेजरमेंट कर लीजिए, अभी ये वाला भी ठीक है, इसका भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे इसका हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इसका जो क्लास है अबाउट राइट इसको लेंगे, देन इसका क्लास यहाँ पे पेस्ट करके लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके जस्ट सेंटर कर दिए तो आ गया। देखिए तो एक बार हम देख रहे थे विथ 100% ठीक है, ओके तो ये मेरा ये सेक्शन भी अबाउट सेक्शन भी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा जूम कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, काट रहा है इसका जो शैडो है, इसका शैडो काट रहा है, हमको थोड़ा इमेज काटना था, गलत इमेज काटने पे एक बार हम और एक बार चेक कर रहे हैं।
ठीक ठाक ही है। ठीक है, अब थोड़ा इमेज थोड़ा यहाँ से हमको कटना ये हो गया, शेडो थोड़ा कट गया ऐसा लग रहा है, तो आप थोड़ा देख के काटिएगा। हम जल्दबाजी में हम काट लिए, तो अबाउट सेक्शन हो गया। देन हम नेक्स्ट जाएंगे ये वाला फाइन, फाइन बोल के एक सेक्शन बना लेते। ठीक है, फाइन डीप सेक्शन लेंगे, उसके आईडी फाइन, फाइन बोल बना लिया। देन कंटेनर डीप प्लस कंटेनर, ठीक है ऐसा हो गया। देन यहाँ पे देखिए हमारा इस तरफ कुछ नहीं है, देन राइट साइड में, तो हम क्या करेंगे, सॉरी बैकग्राउंड का इमेज जो है हम इसको काट लेंगे। बैकग्राउंड इमेज पहले काट लेते हैं, देन कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल एन एंड कंट्रोल वी पेस्ट। बैकग्राउंड इमेज हमको आ गया सेव, जेपीजी फाइन, फाइन बोल के हमने सेव कर लिया। ठीक है, देन यहाँ पे जो आईडी है हम आईडी को कॉपी करते हैं फाइन को, देन लेंगे बैकग्राउंड यूआरएल इमेजेस देन फाइन डॉट जेपीजी। ओके, देन हम देंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, पैडिंग 50 पिक्सल एंड ऊपर दोनों तरफ से जीरो। रिफ्रेश, अब देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं इसलिए ऐसा दिखा रहा है, तो हम कंटेंट दे रहे हैं पहले में देंगे, इसका भी हम ऐसे ही करेंगे। हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड यहाँ पे, और एक डीप लेंगे पहले डीप क्लास रो दे दिए, देन इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेना कितना है देख लीजिए, एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं हम, यहाँ पे दोनों में 6-6 करके लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6-6-6 ना नहीं, हम जस्ट जितना 5 है हम जस्ट 6 कर देंगे 6 एंड दोनों में छोटा में 12। ओके, देन हो गया। देन क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है जस्ट हम एक क्लास ले लेंगे इसमें, सॉरी यहाँ पे एक क्लास ले लेंगे कि जब छोटा हो जाएगा ये वाला क्लास आ जाएगा, तो ऐसे करना नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ही छोटा में 12 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो हम जस्ट पहला वाला छोड़ देंगे, जस्ट नेक्स्ट वाला में हम जस्ट एक डीप लेंगे क्लास फाइन राइट, फाइन राइट। ठीक है, देन सॉरी सेव, देन यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो तीन टो इमेज है, तीन टो इमेज को हमको काट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले धीरे धीरे ठीक से ये जो तीन इमेज है हमको काट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिप्स टूल, देन स्पेस दबा के हम इस पे काम करेंगे। ठीक है,
थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो माफ कर देना, कंट्रोल सी, कंट्रोल सॉरी क्या कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एन देन पेस्ट। तो क्या हुआ ना, इसका जो बैकग्राउंड है बैक जो ये वाला था वो वाला नहीं आया, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लाना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, देन अब देखिए शैडो जो है, शैडो तो नहीं आ रहा है। थोड़ी और एक बार हम ट्राई कर रहे हैं नया वाला। हाँ सर, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हटा दिया, जो जो मार्क्स थे डिलीट मार्क्स डिजेबल वेक्टर मार्क्स रिसाइज मार्क्स, इसको हम एड मार्क्स टू सेक्शन अप्लाई लेयर मार्क्स। ठीक है, जस्ट अप्लाई लेयर मार्क्स कर देंगे, अब देखिए आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको बाद में देख लेंगे। देन हम इसको क्या करेंगे, पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। फाइनल वन दे रहे, फाइन वन बोल के सेव कर रहे हैं इसे। आप बाद में जो बाकी इमेज है उसको आप ले लीजिएगा, हम एक ही इमेज दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो तीन तो मुझे यहाँ पे इमेज देना है, एक टाइटल है एक डिस्क्रिप्शन। तो देन पहले हम कह देंगे इज टू टाइटल देंगे, यहाँ पे टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं। टाइटल को कॉपी कर लिया, पेस्ट। देन डिवाइडर, डिवाइडर को हम यहाँ से, डिवाइडर का जो क्लास है डिवाइडर को हम कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिए। जस्ट डिवाइडर का नाम चेंज कर देंगे क्योंकि वहाँ पे व्हाइट डिवाइडर है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करना है, पी टैग देना है, पी एंड इसको हम कॉपी और यहाँ पे पेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। देन और एक हमको डीप लेना है बॉटम इमेज के लिए, नीचे में जो इमेज है, तो उसके लिए हम अलग से एक डीप ले लिया, क्लास बॉटम इमेज, बॉटम आईएमजी एक क्लास ले लिया। देन उसके अंदर हम देंगे आईएमजी इमेजेस के अंदर फाइन फाइन वन डॉट पी एन जी, देन ऑल टैग एंड देन जो क्लास है। ठीक है, कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा, एक सेकेंड भी बचे तो वही काफ़ी है। तो यहाँ पे रिफ्रेश आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में आ गया वो। हाँ यहाँ क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट है। ठीक है, ये भी वाइट है, अगर हम इसको ब्लैक कर देंगे तो आप थोड़ा समझ में आ जाएगा सर, ब्लैक और कुछ कलर कर देते। हाँ यहाँ पे देखिए साइड में आ गया, क्योंकि ये भी वाइट है एंड इसका जो राउंड शेप है उसका भी कलर वाइट है, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो हम एक काम कर लेते, क्लास लिख लेते फट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फाइन को लिख ही लिया, फाइन राइट हम ये दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान तरीका है। देन और एक करना है काम, हम वो नेक्स्ट हम थोड़ा दिखाएंगे बाद में। और एक चीज़ करना भूल गया, ठीक है, फाइन राइट लिख लिए, यहाँ पे इसके अंदर एच टू टैग लिख लिए, देन उसके अंदर पी टैग है लिख लिया, देन उसके अंदर डिवाइडर है, सॉरी मेरा स्पेस में प्रॉब्लम हो रहा है, डिवाइडर को कॉपी कहाँ से, यहाँ पे डिवाइडर सॉरी
डिवाइडर को हम यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, डिवाइडर को पेस्ट कर दिए। तो अब चलिए हम करते हैं रिफ्रेश, पूरा हो गया। हमको जो H2 टैग है यहाँ से हम एक जो फॉन्ट फैमिली है एंड कलर फॉन्ट फैमिली को हम कॉपी कर लिया, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कलर हमको यहाँ पे कहाँ कितना है, व्हाइट है, तो कलर हम व्हाइट दे देंगे। F F F, तो हम 3 F देते हैं और 6 F देने से कलर व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, देखिए कलर व्हाइट आ गया, फॉन्ट भी ओ भी है। देन मार्जिन बटम देंगे, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल थोड़ा कम आता है, 20 पिक्सल देते हैं, 30 पिक्सल देते हैं। मार्जिन बटम देंगे, मार्जिन बटम ट्वेंटी पिक्सल, ओके, यहाँ पे मार्जिन बटम भी दे दिए 20 पिक्सल, देख सकते हो गया। देन पी टैग, यहाँ पे क्या है ना, सब सेंट बैकग्राउंड को पहले लिख लेते हम, बैकग्राउंड नहीं लिया, बैकग्राउंड देंगे ब्लैक, ग्राउंड ब्लैक। देन इसको क्या करेंगे, अब इस तरफ लाते हैं, देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको ओपेसिटी कमाएंगे, ठीक है, इतना ठीक है। देन पैडिंग, पैडिंग 40 पिक्सल, पैडिंग 40 पिक्सल दे दिए अभी तक के लिए। देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर हमें आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैडिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम 40 से हम 60 कर दे रहे हैं, तो 60 कर दिया, ठीक है, अभी 60 पिक्सल देना है, सॉरी 60 पिक्सल, ठीक है। तो इसको कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी फॉन्ट पी को हम करेंगे काम, पी पे काम, पी टैग पे काम करेंगे। देन कलर देंगे व्हाइट, कलर व्हाइट, लाइन हाइट 22 पिक्सल, ठीक ही है। फॉन्ट साइज हम यही रखते हैं, फॉन्ट साइज ठीक ही है। एंड मार्जिन बटम देंगे 40 पिक्सल, मार्जिन बटम 40 पिक्सल, ठीक है, नहीं 60 पिक्सल, यहाँ पे बहुत बहुत है, यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं 60 पिक्सल है। तो इसको कॉपी एंड यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, ये तो मेरा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ही इमेज, हम चारों इमेज दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, 3 इमेज है, हम जस्ट इमेज को हम लेंगे यहाँ से 2, नंबर 2, नंबर 1 को हम कर दिया, देन सेव एज नंबर 2, PNG फाइनल, फाइन 1, फाइन 2, फाइन 2 कर दिया। देन सेकेंड को थर्ड वाला को ले लिए, थर्ड वाला को दे दिया, जिसको भी हाइट कर दिए, देन सेव एज नंबर 2, नंबर 3। तो मेरा 3 इमेज लेना हो गया। हम जैसे यहाँ पे नाम चेंज करेंगे 2 एंड इसका 3, देन सेव। अब देखिए क्या होता है, रिफ्रेश आ गया, ठीक है। तो ये क्या, क्यों आया, हमने जो इमेज दिया इसका विथ 100% दे दिया, इसलिए आ गया, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे आता तो हम क्या करते, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देते। तो हम एक काम करते, एक बार डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही दे देते, कोई अगर प्रॉब्लम, कहीं कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसके अंदर किस में, इमेज, इस डिप के अंदर जो इमेज है उसको हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे रहे हैं, ठीक है। देन सेव, रिफ्रेश, देख सकते हैं, हटा नहीं। तो ये मेरा हो गया। अभी क्या करना है, जो बैकग्राउंड ये ऐसा नहीं आए आना चाहिए, ये फिक्स, ये आएगा लेकिन बैकग्राउंड फिक्स रहेगा, ठीक है।
तो हम जस्ट क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो पोजीशन दिए सेंटर, ठीक है, उसके पे बात लिखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, ठीक है, सेव। अब देखिए कम ऑन, अब देखिए अब क्या हो रहा है ना, अब बैकग्राउंड अब नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसका पैडिंग और थोड़ा बढ़ाएंगे हम, पैडिंग अबाउट का पैडिंग 80 पिक्सल कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और इसका भी पैडिंग थोड़ा बढ़ाएंगे 60 पिक्सल, ठीक है, दोनों का पैडिंग हमने बढ़ा दिया, पैडिंग थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, देखते कितना टाइम हुआ है, 40 मिनट हो गया। नेक्स्ट में क्या है देख लेते एक बार, नेक्स्ट मेनू है, नेक्स्ट है मेनू, मेनू इसमें करें, नेक्स्ट अगर मेनू इसमें करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम ऊपर दो दो सेक्शन हम कर देते, ठीक है। हाँ कर, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मेनू कर देंगे और ये वाला वीडियो भी कर देंगे देन, और एक हम दो दो वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, हम फाइल भी दे देंगे, पीएचडी दे देंगे। देखिए कितना आसान तरीका से हमको एक एक करके समझा रहे हम, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल ग्रोथ करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा अभी भी देख सकते हैं, अभी बहुत 713 सब्सक्राइब है, बहुत सब्सक्राइबर चाहिए, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़, थैंक यू सो मच। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा है, थैंक यू, बाय।